सोलन में थ्री व्हीलर कोरोना कर्फ्यू के चलते काफी समय से बंद पड़े हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें थ्री व्हीलर चलाने की अनुमति दे दी गई है। अब करीब दो दिनों से शहर में ये थ्री व्हीलर घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चालकों के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी मुख्य वजह लोगों में कोरोना के डर के कारण कम संख्या में घरों से बाहर निकलना है, जिस कारण थ्री व्हीलर चालकों को सवारियां नहीं मिल रही हैं। सवारियों के इंतजार में काफी देर तक खड़ा रहना पड़ रहा है, जिसके चलते आय ना के बराबर हो रही है। चालकों का मानना है कि जब तक निजी बसें पूरी तरह से नहीं चलती हैं, तब तक उनका व्यवसाय इसी तरह प्रभावित रहेगा। थ्री व्हीलर चालकों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना कर्फ्यू के चलते पहले ही वे काफी दिनों से काम नहीं कर पा रहे थे। इस बीच डीजल पेट्रोल के दाम बेहद बढ़ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर सवारियां भी उतनी नहीं मिल रही हैं। तीन सवारियां लेने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। यही वजह है कि वे बेहद परेशान हैं, क्योंकि आय ना के बराबर हो रही है। जो आय होती है वो पेट्रोल खरीदने में लग जाता है। उन्होंने कहा कि उनका व्यवसाय निजी बसों से जुड़ा हुआ है और जब तक निजी बसें पूरी तरह नहीं चलती हैं, तब तक उनका व्यवसाय प्रभावित रहने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो उन्हें उम्मीद है कि उनका व्यवसाय कुछ माह में ठीक भी हो जाएगा। देखो ऐसा है, बोलने को तो खुल गया है सब कुछ, ठीक है, लेकिन ना तो अभी सवारी है, ठीक है। जब तक और बसें मिनी बसें नहीं चलती, तब तक वैसे भी हमारा काम जो है वो कम ही रहता है। लोग घरों से अभी वैसे आने में संकुचा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, भले खोल दिया हुआ इन्होंने। अच्छा बात यह है कि अब इसने कम में जो है वो गुजारा नहीं हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है। एक तो डीजल के रेट बहुत बढ़ चुके हैं, आप खाने पीने के तेल के रेट देख लो तो 200 रुपये का तो तेल एक लीटर है, तो कहाँ से खर्चा पूरा करेंगे, तो बहुत समस्या है। अभी तो ये समझो अभी बस तेल का हो रहा है, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी शुरुआत ये समझो भाई, अभी समय लगेगा जी, काफ़ी समय लगेगा, तब जाके कहीं हो सकता है लाइन पे आए, अगर तब तक दोबारा ना हो जाए कहीं है। समस्या जो चल रही है अभी तो तीसरी वेव बोल रहे हैं, तो अगर तीसरी वेव नहीं आती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं अभी हाँ 3-4 महीने बाद जो हम फ्लो में आ जाएंगे। तो पहले सारे ऑटो वाले परेशान हुए आज आज के टाइम में, और जैसे ऑटो खुले हैं थ्री व्हीलर, काम तो कुछ है नहीं। हाँ काम खुलेगा तब तो प्राइवेट बसें चलेगी, हमारा काम सारा प्राइवेट बसेस से है, उसके अलावा हमारा काम नहीं है यहाँ पे लोकल कोई भी, इसलिए ज़्यादा कह सकते। काम खुलेगा तो है, आस्ते आस्ते खुलेगा काम, तो एकदम से तो खुलेगा नहीं। जैसे प्राइवेट बसेज वगैरह चलेगी, स्कूल्स वगैरह खुलेंगे, हमारा काम तो उससे ही है, उसके अलावा हमारा काम कोई नहीं है। फिर बैठ रही है सारे पहले सवारी बैठने का मतलब क्या है, एक घंटे बाद नंबर आ रहा है यहाँ पे, एक एक घंटे बाद सवारी बैठ रही है, उसके बाद तेल तक के पूरे नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा 86 रुपये लीटर तो तेल ही हो गया। अब उसमें लगाओ साहब किस हिसाब से पूरा कर सकते हैं। सवारियाँ तो बहुत कम आ रही है जी गांव से, अभी बसें नहीं चल रही है, कम बसें हैं, HRTC की चल रही है कुछ, उससे काफ़ी फर्क पड़ रहा है काम में, कम में कम। कोरोना की वजह से लोग गाँव से अभी निकल नहीं रहे शहर की तरफ, गाँव में बैठे हुए, और कुछ बसें भी कम हैं, जैसे प्राइवेट बसें नहीं चल रही है, गांव से आना दिक्कत है उनको, उसकी वजह से भी नहीं आ रहे लोग। हम तो बहुत प्रभावित हुआ जी, हम घर में ही रहे 2 महीने से, हमारे को काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ा। सरकार से तो हम और क्या मांग करें, वो टैक्स जो हमारे हैं वो टैक्स माफ़ कर दिए जाए, बाकी आपका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है, हमारा इंश्योरेंस भी कम करा जाए ऑटो का। काम तो कम से कम 1 महीना लगेगा जी, 1-1.5 महीना आते हुए बैटरी आते हुए, आधे दो घंटे बाद नंबर आ रहा है, डीजल बढ़ गया है, इतना नहीं बच रहा कुछ नहीं, मतलब आपको समस्या क्या है? समस्या तो कुछ नहीं है, बट डीजल बढ़ गया ना, आधे आधे पौने घंटे बाद नंबर आ रहा है। जब प्राइवेट बसें चलेगी तभी काम होएगा, सरकारी पहली बारी जो ऑटो स्टार्ट हुआ तो क्या काम कैसा चला कल संडे को? तो जाम लगा पड़ा पूरा, तो सवारियाँ बैठी है ऑटो में? सवारी आ रही पर आधे घंटे पौने घंटे बाद नंबर आ रहा है, मतलब 1 घंटा भी लग रहा है। बसें चली ना, सरकारी बसें चली हुई, वो 1 घंटे बाद आ रही है, काम तभी होगा जब बसें चलेगी। तो ऐसे में क्या मांग करना चाहेंगे आप? प्राइवेट बसें चलनी चाहिए तभी काम होगा।